दो से छह दिसंबर तक यूजीसी एनटीए नेट दिसंबर के एग्जाम्स हुए थे फॉर 2019, लेकिन रिजल्ट कब तक निकलेगा? बहुत पहले हमें 23 दिसंबर को ऑलमोस्ट जो ऑफिशियल आंसर की है ये मिल चुकी है, लेकिन क्या वो सच है? क्या एग्जैक्टली हमें आंसर्स और हमारा रिजल्ट वैसा ही आएगा? आपको ये पता कब चलेगा? ये सारी चीजें मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बताई. सो लेट्स गेट इन द वीडियो एंड टॉक अबाउट इट इन क्वाइट डिटेल. What's up everybody, welcome back to my channel Pages by साक्षी पटेल. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि मेरी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले, और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे डायरेक्टली जाके फॉलो कर सकते हैं, दैट इज पेजेस बाय साक्षी. ओके, तो आज हम बहुत ही जरूरी चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि यूजीसी नेट रिजल्ट दिसंबर 2019 कब तक निकलेगा. देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्जाम है 2-6 दिसंबर तक हुई थी, 219 सिटीज में हुई थी एग्जैक्टली, जिसमें 700 हमारे पास सेंटर्स थे. ऑलमोस्ट 81 सब्जेक्ट्स जो हैं इनके ऊपर एग्जाम्स हुए थे, 10 लाख पार्टिसिपेंट ने एग्जाम दिए हैं, और रिजल्ट आएगा 31 दिसंबर 2019 तक. दैट मीन्स कि न्यू ईयर की रात. ओके, और आप बोल सकते हो कि जो हमारा 2019 का आखिरी दिन है, दैट इज 31 दिसंबर, तब तक रिजल्ट आने की लगभग लोग कह रहे हैं कि आएगा रिजल्ट. अब ये है कि रिजल्ट, देखो, मान लो आ गया उस दिन, तो आप चेक कैसे करेंगे? चेक करने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, दैट इज यू हैव टू गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ntanet.nic.in. दूसरा है कि आपको एक होम पेज मिलेगा, उसमें रिजल्ट का लिंक दिया रहेगा, आप उसे क्लिक करें, ओपन हो जाएगा एक एरिया जिसमें लिखा रहेगा एप्लीकेशन नंबर डालो और डेट ऑफ बर्थ डालो. जब आप ये दोनों चीज़ डाल देंगे तो आपका जो रिजल्ट है सामने स्क्रीन पे आ जाएगा, आप उसे प्रिंट करवा सकते हैं. ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि ताकि आप किसी और वीडियो में जाने की जरूरत ना पड़े कि अब भाई रिजल्ट तो आ गया लेकिन चेक कैसे करें. तो ये मैंने आपको दोनों चीज़ सिखाई कि रिजल्ट कैसे चेक करें और कब तक रिजल्ट आएगा, क्योंकि बहुत लोग का क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था. और मैं पर्टिकुलरली सबको मैसेज नहीं कर सकती, ओके, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए. तो याद रखना 31 दिसंबर 2019 तक का डेट दिया हुआ है. अब आप प्रिंट आउट जरूर निकाल लें, क्योंकि ना जो आप रिजल्ट है आपको ये ऑनलाइन ही मिलेगा. पहले क्या होता था कि पोस्ट ऑफिस से आपको घर घर भिजवाया जाता था रिजल्ट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा अब. अब आपको डायरेक्टली ऑनलाइन रिजल्ट्स मिलेंगे. अब फायदा क्या होगा एनटीए नेट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो? अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, ओके, ध्यान से सुनना, अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो आपको पर मंथ 35,000 रुपीज़ मिलेंगे. यू कैन इमेजिन, ओके, 35,000 रुपीज़ जो है ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर की तनख्वाह होती है. प्लस आपकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी कि आप जाकर के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को दे सकते हैं. जैसे ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को देंगे और आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पाएंगे, और उनकी सैलरी लगभग उतनी होती है. प्लस आपका जेआरएफ का तो इतना पैसा मिल रहा है, 5 साल तक आपको लगभग इसके पैसे मिलेंगे. अगर आपकी पीएचडी इस बीच हो जाती है तो उसके बाद फिर आपको देखा जाएगा कि उसके बाद नहीं मिलेगा, ठीक है. तो लगभग आप एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू 5 ईयर्स, तब तक आपको जेआरएफ का पैसा मिलेगा और अच्छी खासी तनख्वाह है, ओके. और अगर आप नेट क्वालिफाई होते हैं, सिर्फ आपने जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया है, नेट क्वालिफाई किया है, तो आपके पास एक ऑप्शन है, दैट इज़ कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं. दूसरा, किसी भी बड़े PSU में आप जाकर के जॉब कर सकते हैं. अब PSU क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज है, आप वहां पर जाकर के काम कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी सैलरी पा सकते हैं. बहुत सारे नोटिफिकेशंस मिलते हैं और निकलते भी हैं कि हमें नेट वालों की ज़रूरत है, तो आप आ करके HR का काम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज़ निकलती है. तो अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और करियर गाइडेंस और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ है वो मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँ. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट. थैंक यू सो मच. आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, और दूसरा शेयर करना मत भूले, प्लीज़, इट मैटर्स अ लॉट. ओके, thank you so much to like, share and subscribe, and please press the bell icon so that you will be notified each and every single time I'll be online. दूसरा, share करना ना भूले, like जरूर करे वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा इसे फैलाने की कोशिश करे. Okay, so thank you so much and see you, bye in the next video.